जो लोग अनएकेडमी प्लस पर नहीं है और आना चाहते हैं, आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप ये लोग ये टेस्ट लिखेंगे 24 सितंबर को। तो ये 24 सितंबर 45 मिनट में आपको टेस्ट मिलेगा, बिग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आईपैड, मैकबुक एयर, डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, जेबीएल स्पीकर टाइप के। तो जल्दी से आप लोग इसके लिए रेडी हो जाओ, ये होने वाला है 24 सेप्टेम्बर। अगर इसके लिए कोई कोड वोड लगे तो लगा लेना, ये वीदीप टेन, नहीं लगे तो डायरेक्टली एनरोल कर लेना, बट कर लेना। टेस्ट लिखने में बुराई नहीं है, जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स भी हैं तो टेस्ट लिखने में कोई बुराई नहीं, लिख दो। टेस्ट लिखने में बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि एक आइडिया आ जाएगा आपको कि जब प्रेशर आता है ना दिमाग पे, तब आपको कितना दिमाग चलता है आपका, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में जो अच्छा परफॉर्म कर लेता है ना, बस उसी की वाह वाही होती है। Good morning, everybody. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम ब्रिंगिंग योर पीपीटी हियर। जैसे हम हमारी पीपीटी लेके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के। ये सेशन डिस्कशन का रहेगा, मींस आई विल एक्सपेक्ट कि आपने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप वीडियो रोक के और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। एंड उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका डिस्कशन देख सकते हैं। जो प्लस अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, यूट्यूब पे भी अवेलेबल थे पहले से। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस। फायदा क्या है इस सेशन का कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, वो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, हो सकता है आपने कुछ अलग तरीके से बनाया, मेरी मेथड हो सकता है कुछ अलग हो, आपको वो सीखने को मिल जाएगी। दूसरा फायदा ये है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं बना तो उसमें क्या मिसिंग था वो आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन में एक ऐसी ट्रिक या टिप या कोई ऐसी चीज मेथड आपको सीखने मिल जाए जो आपको पहले से नहीं पता थी, तो ये सब हम यहाँ सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग अमन एंड गुड मॉर्निंग रिमेनिंग मेंबर्स, ऐश्वर्य, श्रेयस, सुनैना, हर्षा, अर्चना एंड हु एल्स हैव ज्वाइंट, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हम और 2 मिनट वेट करेंगे, फिर आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देर आर 1-2 PYQs हुज सॉल्यूशंस आई डिड नॉट गेट ऑन यूट्यूब ड्यूरिंग रिविजन, हेंस केम। बिल्कुल देख लेंगे उनके क्वेश्चंस, हम समझेंगे कि वो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करने लायक है या नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें उन्हें नहीं सॉल्व करना है क्योंकि ये पुराने हो गए हैं, तो हम उन्हें छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं गेट में लाइक गैंग शेड्यूलिंग एक्सेट्रा के, जो अब हमारे गेट सिलेबस में है नहीं, तो हम उन्हें नहीं देखेंगे। जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन तो देखना चाहिए, तो उन्हें देख लेंगे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेट का सिलेबस और पैटर्न दोनों चेंज हुए हैं क्वेश्चन पूछने के, है ना। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करें और कौन सा नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए वो जानना, ताकि हम हमारी प्रिपरेशन को सिर्फ वहीं तक स्टिक करें जहां तक हमारी गेट की प्रिपरेशन होती है। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नाम का एल्गोरिदम था PYQ में, वो मुझे LRU ही लगा, लेकिन LRU और उसका आंसर मैच नहीं करा। LRU नहीं है, फ्रीक्वेंटली यूज मतलब आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है,
जिस पर्टिकुलर पेज का रिक्वेस्ट कम हुआ है उसे आप पहले शेड्यूल पहले रिप्लेस करेंगे, जिसका रेफरेंस कम हुआ है. इट्स अ फ्रीक्वेंसी बेस्ड एल्गोरिदम, हमने देखे हैं लीस्ट फ्रीक्वेंटली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो दो अलग होती है वो चीज. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग है इसके कंपैरिजन में. ठीक है, वो देखिएगा. चलिए तो शुरू करते हैं सेशन. पहला से क्वेश्चन आज का, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट एचआरआरएन एल्गोरिदम फेवर करती है किन जॉब्स को? शॉर्टर जॉब्स को, बिल्कुल छोटी जॉब्स को ही यह फेवर करती है. बट अगर कोई बड़ी जॉब या कोई बड़ी प्रोसेस है जिसकी वेटिंग टाइम बढ़ गई है तो फिर उसकी वेटिंग टाइम को भी लिमिट करने की कोशिश करता है. तो लिमिट्स फॉर लॉन्गर जॉब्स, ऐसा हम यहां लिखेंगे. ठीक है, तो एचआरआरएन में हमने देखा था एक फॉर्मूला कि रिस्पांस रेशियो निकालते हैं हर एक प्रोसेस का बाय फॉर्मूला वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम और सर्विस टाइम डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम. तो जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है उसका रिस्पांस रेशियो ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा. अगर कोई प्रोसेस बड़ी देर से वेट कर रही है तो उसका वेटिंग टाइम बढ़ते जाएगा, उसकी वजह से भी उसका रिस्पांस टाइम बढ़ सकता है. सो दीज आर द टू थिंग्स वी हैव हियर. श्योर, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन था. ये वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारी जॉब्स अराइव होती है जीरो प्लस पे, मतलब सब जीरो पे ही अराइव होती है. सीपीयू बस्ट दे रखा है, पीक्यूआरएसटी पूछा है, राउंड रॉबिन है वन स्लाइस पे. तो कैलकुलेट द डिपार्चर टाइम ऑफ प्रोसेस पी, पी का डिपार्चर क्या होगा? तो आप गैंट चार्ट बना लो क्विकली, काम हो जाएगा आपका. जीरो पे पी आएगी सबसे पहले, तो पी एक यूनिट टाइम चलेगी, फिर क्यू, फिर आर, एस और टी, दो तीन चार और पांच, एक एक बार चल गए. थ्री खत्म, सेवन खत्म, वन. अब बचा सिर्फ पी आर और टी, एक एक बार इनको चला दिया पी आर टी को, सिक्स सेवन एट. पी का बचा दो, इसका बचा सिक्स, इसका कुछ नहीं बचा. अब पी के दो बचे हैं, पी यहां चलेगा, फिर आर चलेगा, फिर से पी चलेगा, नाइन टेन और इलेवन. बस 11 पे आपकी ये प्रोसेस पी खत्म हो जाएगी. डिपार्चर और कंप्लीशन टाइम ऑफ पी इज 11. बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन. और इसी प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार गेट में पूछे भी जाते हैं. विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइम शेयर्ड में तो राउंड रॉबिन लगता है जी. बढ़िया, अगला क्वेश्चन. ये थोड़ा डिफरेंट था. इस क्वेश्चन में एक चीज जो बोली गई है जो 90s में थोड़ी फेमस हुआ करती थी कि एवरेज वेटिंग टाइम को कम करना है. तो क्या कहता है, सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आप प्रोसेसेस को रन करोगे इज एन ऑप्टिमल नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग सीक्वेंस. नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग सीक्वेंस बट ऑप्टिमल ऑप्टिमल फॉर द फॉलोइंग जॉब्स व्हिच लीव्स द सीपीयू आइडल फॉर दिस मच ऑफ यूनिट ऑफ टाइम. कि सीपीयू को आइडल छोड़ के भी आप क्या कर सकते हो, सीपीयू में एवरेज वेटिंग टाइम कम कर सकते हो. देखो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप सबसे पहले जॉब वन को रन करो, या टू को, या थ्री को. अगर आप जॉब वन को रन करोगे, ये बहुत बड़ी जॉब है, जीरो पे अराइव होती है बट बहुत बड़ी जॉब है. इस केस में जो बची हुई आने वाली दो प्रोसेसेस हैं, इन दोनों प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, 9 टाइम यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा. सो इंक्रीज हो जाएगा वेटिंग टाइम, यस देयर विल बी एन इशू, हमें वेटिंग टाइम कम करना है. तो क्या करें हम, अगर जीरो टाइम पर डायरेक्टली पी वन को रन कर देंगे और सीपीयू को आइडल नहीं छोड़ेंगे कुछ भी, तो हो सकता है बाकी दूसरी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाए. एक काम करेंगे, सीपीयू को शुरुआत के एक टाइम तक आइडल छोड़ के और ये वाली प्रोसेस रन करके देखते हैं. सबसे पहले सीपीयू को हमने जीरो से वन तक आइडल छोड़ दिया और फिर सबसे छोटी प्रोसेस रन करने की कोशिश की, थ्री. ठीक है, तो हमने जॉब नंबर थ्री रन करने की कोशिश की, एक टाइम यूनिट तक चला. हमारे पास वन टाइम यूनिट पे सारी प्रोसेसेस आ चुकी थी, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हम छोटी रन करेंगे पी टू, जो कि चलेगा 5 यूनिट टाइम अप टू 7 तक. देन पी थ्री सॉरी पी वन
लास्ट में 7 + 9 टोटल कितना 16 तक। तो आप देखिए वेटिंग टाइम कितना आएगा। वेटिंग टाइम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, P3 वन पे आया, वन पे इसको सीपीयू मिला, जीरो वेटिंग टाइम। P1 जीरो पे आया था, सेवन पे सीपीयू मिला, सिक्स वेटिंग टाइम। P2 0.6 पे आया, टू पे सीपीयू मिला 1.4। एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया 7.4 डिवाइड बाय 3, 3 दुना 6, 14, 6, 6, 2.66 अराउंड एवरेज वेटिंग टाइम आया है ना। बट अगर आपने एक यूनिट टाइम पर सीपीयू आइडल नहीं छोड़ता और आप जीरो टाइम यूनिट पे एक ही प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है P1, अगर उसे रन करते, P1 रन करते 9 टाइम यूनिट तक, उसके बाद बची प्रोसेसेस में से आप P3 रन करते, छोटी प्रोसेस है जो कि एक टाइम यूनिट लेगी 10 तक, और उसके बाद P2 5 टाइम यूनिट 15 तक, इस केस में एवरेज वेटिंग टाइम कितना आता। देखिए P1 आया जीरो पे, सीपीयू मिला जीरो पे, एवरेज इसका वेटिंग टाइम जीरो, प्लस P2 आया 0.6 पे, सीपीयू मिला 10 पे, कितना हो गया 9.4, प्लस P3 आया था 1 पे, सीपीयू मिला 9 पे, कितना वेटिंग टाइम 8 डिवाइड बाय 3, 17.4 डिवाइड बाय 3 विच इज 5.8। बहुत ज्यादा नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रोसेस थी, कौन सी बड़ी प्रोसेस थी, वन, ये जो अगर आपने रन करा दी तो 9 टाइम यूनिट तक, एक्चुअली 8 टाइम यूनिट तक P3 का भी वेटिंग बढ़ा और P2 का भी वेटिंग बढ़ा, इसकी वजह से एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आप किस सीक्वेंस में प्रोसेस को रन करोगे 3-1 के, और स्टार्टिंग में सीपीयू आइडल छोड़ोगे 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो 1 यूनिट ऑफ टाइम आपने सीपीयू आइडल छोड़ा, प्रोसेसेस रन की 3-1 के केस। और तो बाकी कुछ अच्छा है भी नहीं। जीरो टाइम यूनिट अगर आप सीपीयू आइडल छोड़ोगे तो आप P2 रन नहीं कर सकते पहले, क्योंकि P2 तो अराइव ही 0.6 पे हो रही है ना। तो आपको P2 को रन करने के लिए कम से कम 0.6 तो शुरुआत में सीपीयू आइडल छोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी पॉसिबल नहीं है, जीरो टाइम यूनिट सीपीयू आइडल छोड़ के आप P3 को सबसे पहले रन नहीं कर सकते, 3 तो अराइव ही 1 पे हो रही है, तो ये ऑप्शन ही वैलिड नहीं है, ये भी नहीं है। और ये ऑप्शन तो कहीं का भी नहीं है कि 5 यूनिट टाइम आप ऐसे ही सीपीयू आइडल छोड़ दो, 1 तक सारी प्रोसेसेस अराइव हो गई है तो भी आप 5 यूनिट टाइम सीपीयू को छोड़ दो, बाकी के, हाँ जी बाकी के या तो आइडल पीरियड गलत है या फिर ऑप्टिमल नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द ओनली ऑप्शन बेटर राइट नाउ इन दिस केस। गुड मॉर्निंग सुलगना, ये देखिए जरा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ए का कंप्लीशन टाइम पूछा, थोड़ी देर पहले ही इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने देखा था। तो सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, 3 खत्म, 7 खत्म, 0, 1, 2, 3, 4 RR का ये क्वेश्चन है। फिर आपको फिर से ए और सी रन करने पड़ेंगे, तो ए अब बचा है 2, सी बचा है 6, फिर ए दो बार और रन करो तो ए, सी और ए, 7, 8 और 9, 9 टाइम यूनिट तक पूरा ए खत्म हो गया हमारा। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या कहता है ये, कंसीडर एन प्रोसेसेस शेयरिंग द सीपीयू इन राउंड रॉबिन फैशन। तो एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो सीपीयू को शेयर कर रही हैं राउंड रॉबिन फैशन में, अज्यूमिंग दैट ईच प्रोसेस स्विच टेक्स एस सेकेंड्स, कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम है एस नंबर ऑफ सेकेंड्स, और क्वेश्चन में पूछा है कि क्वांटम कितना होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी द क्वांटम सच दैट द ओवरहेड रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेस स्विचिंग इज मिनिमाइज्ड, बट एट द सेम टाइम क्वांटम इतना होना चाहिए कि एस जो है वो मिनिमाइज हो जाए
ओवरहेड मिनिमाइज रहे, बट एट द सेम टाइम ईच प्रोसेस इज गारंटीड टू गेट इट्स टर्न एट सीपीयू एटलीस्ट एवरी टी सेकेंड. हर टी सेकेंड में हर एक प्रोसेस को एक बार का टाइम मिलना चाहिए. हर एक टी सेकेंड में हर एक प्रोसेस को एक बार टाइम मिलना चाहिए. ठीक है, अब देखिए यहां पे हम एक सिनारियो बनाते कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, तो सबसे पहले हम रन करेंगे प्रोसेस को, P1 रन होगी फिर कंटेक्स्ट स्विच का टाइम, फिर P2 रन होगी फिर कंटेक्स्ट स्विच का टाइम, फिर P3 रन होगी फिर कंटेक्स्ट स्विच का टाइम, फिर P4 रन होगी फिर कंटेक्स्ट स्विच का टाइम, ऐसे करते 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 लास्ट में Pn रन होगी, फिर आएगा कंटेक्स्ट स्विच का टाइम, इसके पहले भी रहेगा, और उसके बाद फिर से P1 का चांस आया, फिर कंटेक्स्ट स्विच का टाइम, फिर P2 का चांस आया, फिर कंटेक्स्ट स्विच का टाइम. हर एक प्रोसेस कितना टाइम ड्यूरेशन रन करेगी, Q, तो यहां पे Q Q Q Q क्वांटम टाइम यूनिट हर एक प्रोसेस रन करेगी. बीच में जब क्वांटम नहीं है, ये कंटेक्स्ट स्विच का टाइम S, ये हमने पहले सिनारियो बना लिया. अब हमें बनानी है इक्वेशन, किस चीज की, कि ये टी को कैसे लिखें, जो टी से हर एक टी सेकेंड में एक प्रोसेस का चांस आना चाहिए, ये कैसे लिखें. देखिए जब एक प्रोसेस का चांस गया, उसके बाद हर टी सेकेंड में दूसरी प्रोसेस का चांस मिलना चाहिए, मतलब कि मैं मैक्स मैक्स से मैक्स, जब पी वन का चांस खत्म हो गया यहां, जब पी वन का ये चांस खत्म हो गया यहां और वापस पी वन का चांस मिला यहां, इसके बीच में मैक्सिमम टी सेकेंड का लैप्स डाल सकता हूं, है ना. जो लिखी है लाइन, क्या लिखी है लाइन यहां पे, कि हर एक प्रोसेस, एवरी प्रोसेस गेट्स इट्स टर्न एवरी टी सेकेंड, तो हर एक टी सेकेंड के बाद उस प्रोसेस का वापस से टर्न आना चाहिए, मतलब टी सेकेंड में मैं पी वन को छोड़ के बाकी की सारी प्रोसेसेस और कंटेक्स्ट स्विच करके और फिर से पी वन का टर्न ले आऊं. अब बताइए पी वन को छोड़ के बची कितनी प्रोसेस जो आपने यहां से यहां रन की है, हाउ मेनी प्रोसेसेस यू हैव रन, एन माइनस वन प्रोसेसेस यू हैव रन. हर एक प्रोसेस कितनी कितनी देर के लिए रन हुआ है, क्वांटम टाइम के लिए. हर एक प्रोसेस को क्वांटम टाइम के लिए रन करो, तो एन माइनस वन प्रोसेसेस हैं क्वांटम टाइम के लिए रन हुई. बट देखिए जरा, ये प्रोसेस के पहले यहां भी एक कंटेक्स्ट स्विच है, पीएन के बाद भी कंटेक्स्ट स्विच है, ठीक है. तो देखिएगा जरा, एन माइनस वन प्रोसेसेस के पहले एक कंटेक्स्ट स्विच यहां, दो यहां, तीन चार, ऐसे कितने कंटेक्स्ट स्विच होंगे. अगर आप बाद बाद के गिनो हर एक प्रोसेस के बाद का कंटेक्स्ट स्विच, तो पी टू के बाद एक कंटेक्स्ट स्विच, पी थ्री के बाद एक कंटेक्स्ट स्विच, पी फोर के बाद एक कंटेक्स्ट स्विच, पी एन के बाद भी एक कंटेक्स्ट स्विच, टोटल एन माइनस वन कंटेक्स्ट स्विच तो हर प्रोसेस के बाद हो गए, और एक पी टू के पहले का भी है. तो क्या मैं लिख दूं एन नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच होंगे, बोलिए क्या एन नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच होंगे, तो एन नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच होंगे, हर एक का टाइम एस सेकेंड्स. ये हो गया हमारे पास टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक. अब ये टोटल टाइम जो है लिमिट होना चाहिए किससे, टी से. तो मैं लिख दूंगा इतना टाइम कि क्वांटम ऐसा रखो कि ये पूरा टाइम जो है वो टी से या तो बराबर हो या छोटा हो, छोटा या बराबर, लेसर देन. क्यों, आप क्वांटम की वैल्यू अगर छोटी ले लोगे तो ये छोटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टी सेकेंड से छोटा ही होना चाहिए. बराबर होगा चलेगा, छोटा भी होगा चलेगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. तो क्वांटम आप ऐसा लो कि अगर कम कम टाइम पे भी आपने प्रोसेसेस को रन किया तो भी ये जो टोटल ड्यूरेशन है वो टी के छोटा रहे, टी से छोटा रहे. लिख दिया हमने. अब यहां पे क्वांटम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम लिखेंगे क्यू लेस देन इक्वल टू टी माइनस एन एस डिवाइडेड बाय एन माइनस वन. ये क्वांटम की वैल्यू निकल के आएगी. इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना सब लोगों को, ns प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, n माइनस वन मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा. जी कर दिया, गुड, बढ़िया. t छोटा नहीं चाहिए बेटा,
देखो इन्होंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल है कि टी की वैल्यू है मान लो 10, टी की वैल्यू है मान लो 10, है ना, कंटेक्स्ट स्विच टाइम जो है वो 1111 है। अब आपको क्वांटम ऐसा लेना है कि आपका कंटेक्स्ट स्विच टाइम इंक्लूड करके और क्वांटम इंक्लूड करके ये सब टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम 10 सेकेंड के पहले पहले हो जाना चाहिए कि सारी प्रोसेसेस भी रन हो जाए, कंटेक्स्ट स्विच भी हो जाए, और तो भी आपको 10 सेकेंड के अंदर अंदर चांस मिल पाए वो प्रोसेस रन करने का दोबारा। समझ रहे हो जय? मुझे क्या करना है, मुझे क्वांटम इतना छोटा रखना है कि सारी प्रोसेसेस एक एक करके रन भी हो जाए तो भी मैं इतने टाइम में इस प्रोसेसेस को रन कर पाऊं। चलो मैं एक और एग्जांपल के थ्रू डायरेक्टली बता देता हूं। मेरे पास चार प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है, और वापस से P1 का चांस आता है, P2 का चांस आता है एंड सो ऑन। ठीक है, क्वांटम मैंने मान लिया 5, सो क्वांटम इज 5 5 5 5 एंड यहां पे है 1, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम है 1 1 1 1 1 एंड 5 लाइक दिस। अब मैंने आपको ये टाइम कैलकुलेट करने को कहा यहां से लेके यहां तक का, कि P1 का चांस गया और उसके बाद वापस आया तब तक 4 times 1 3 times 5 टोटल कितना हुआ 19 सेकेंड, है ना। तो ये T की वैल्यू 19 सेकेंड दे रखी है कि आपको 19 सेकेंड के अंदर अंदर पहली प्रोसेस का चांस फिर से दोबारा आना चाहिए हर एक प्रोसेस का। तो P1 रन की, उसके बाद 1 2 3 4 कंटेक्स्ट स्विच हुए, 3 प्रोसेसेस रन हुई, 3 प्रोसेसेस का 15, 4 कंटेक्स्ट स्विच से का 4, टोटल 19 सेकंड्स लैप्स हुए और फिर से P1 का चांस आ गया। P2 के लिए भी वही है, P2 अगर यहां रन होती है उसके बाद 1 2 3 4 कंटेक्स्ट स्विच, P3 P4 P1 3 प्रोसेस रन, टोटल 15 सेकंड्स लैप्स हुए और P2 का चांस आ गया। अब मैंने कहा कि क्वांटम आपने अगर 5 रखा वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, क्वांटम ऐसा रखो कि आपके पास 19 सेकेंड के अंदर अंदर आपको चांस मिल ही जाए। आप बोलोगे सर अगर मैं क्वांटम 4 भी रखूंगा तो भी मिल जाएगा 19 के अंदर अंदर, क्वांटम अगर मैं 3 भी रखूंगा तो भी मिल जाएगा, 2 भी रखूंगा तो भी मिल जाएगा, बिल्कुल। तो क्वांटम की वैल्यू मुझे ऐसे रखनी है कि वो प्रोसेसेस भी रन हो जाए, कंटेक्स्ट स्विच भी हो जाए और फिर भी 19 सेकेंड के अंदर अंदर प्रोसेस का दोबारा चांस आ जाए सीपीयू पे रन करने का। एंड दैट इज व्हाई हमने ये इक्वेशन लिखी कि क्वांटम मिला के कंटेक्स्ट स्विच का टाइम मिला के जितना भी टाइम लग रहा है वो टी से छोटा या बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया अब? क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, इसको मेमोरी मैनेजमेंट में करेंगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट समझेंगे, क्योंकि वहां पे प्रोसेसेस को स्पेस देने की जो टेक्निक्स है बेस्ट फिट एंड ऑल वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। देखा था ये क्वेश्चन कभी? सॉल्व किया इसको? बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स इज नॉन प्रीएम्प्टिव? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही नॉन प्रीएम्प्टिव है, इन दोनों में भी प्रीएम्प्शन होता है मल्टी लेवल और मल्टी लेवल फीडबैक में, है ना। अगर हायर लेवल क्यू पे पहली प्रोसेस आ जाती है तो लोअर लेवल क्यू की प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाती है, राउंड रॉबिन में तो होता ही होता है। चलिए ये देखिए जरा, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यूनी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम ओनली हैज 2 प्रोसेसेस बोथ ऑफ विच ऑल्टरनेट 10 मिलीसेकेंड सीपीयू बस्ट विद 90 मिलीसेकेंड ऑफ आईओ बस्ट, बोथ प्रोसेसेस वर क्रिएटेड एट नियरली सेम टाइम, बोथ आईओ
The IO of both processes can proceed in parallel. Which of the following scheduling strategies will result in least CPU utilization over a long period of time? Least CPU utilization ka matlab hai ki CPU kafi time tak idle rahe. Kafi time tak idle rahe aisa. ठीक है, तो एक काम करते हैं. देखो ये FCFS, SRTF और स्टैटिक प्रायोरिटी तीनों में शेड्यूलिंग एक जैसी होगी क्योंकि दोनों प्रोसेसेस एक साथ अराइव हो चुकी है. तो आप देखेंगे कि तीनों का गैंट चार्ट एक जैसा बनेगा कि पहले P1 आती है, 10 मिलीसेकंड तक वो सीपीयू पे रन करती है, उसके बाद जाएगी आईओ के लिए. वो आयो के लिए कितना जाएगी, 90 तक, और 10 प्लस 90 100 तक. फिर P2 को हम सीपीयू पे रन करते हैं 20 तक, और ये सीपीयू के लिए कब जाएगी, ये आयो के लिए कब जाएगी, 20 और उसके बाद प्लस 90 110 तक. तो 100 पर हमारे पास फिर से एक नई प्रोसेस आ जाएगी P1 जो 110 तक रन करेगी, और P2 वापस से आ जाएगी 110 पे जो 120 तक रन करेगी, एंड सो ऑन. तो आप देख सकते हो दो प्रोसेस रन के बीच में यहां पे हमारे पास कुल 80 टाइम यूनिट का क्या है, 80 टाइम यूनिट का हमारे पास आइडल पीरियड है ना. अब कोई भी ले लो, चाहे FCFS लो या SRTF लो, स्टैटिक लो. SRTF में भी कोई प्रीएम्प्शन तो होगा नहीं, दोनों प्रोसेस एक साथ आ चुकी हैं, इसलिए प्रायोरिटी में भी जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, P1 या P2 डजंट मैटर, दोनों का बर्स्ट टाइम बराबर, दोनों का आईओ टाइम बराबर. तो टाइम के केस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. हमें देखना पड़ेगा अब दूसरी राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन इज लिटिल डिफरेंट. राउंड रॉबिन में क्वांटम क्या दे रखा है, क्वांटम दे रखा है 5 मिलीसेकंड का, है ना. तो 5 मिलीसेकंड का क्वांटम लगाते हैं, पहले P1 रन होगी 0 से लेके 5, उसके बाद P2 रन होगी 5 से लेके 10, फिर से P1 रन होगी 10 से लेके 15. अब P1 जा सकता है IO के लिए, तो 15 प्लस 90 कितना होगा, 105. ये 105 तक IO के लिए गई, उसके बाद P2 रन हुई 5 नैनोसेकंड या 5 मिलीसेकंड 20 तक, उसके बाद ये भी IO के लिए जाएगी 20 प्लस 90 110 तक. तो अब अगली प्रोसेस वापस अपना आयो खत्म करके कब आई, 105 पे. 105 पे आई P1 वापस, और यही सेम सीक्वेंस हम 20 मिलीसेकंड तक करते रहेंगे, और उसके बाद फिर ये दोनों प्रोसेस आयो के लिए गई. तो बीच में हमारे पास आइडल पीरियड कितना आया बताइए, आइडल पीरियड कितना आया जब सीपीयू आइडल था, 85 का. अब कंपेरिजन अगर आप करोगे तो दोनों में से किसमें ज्यादा आइडल पीरियड आ रहा है, दोनों में से किसमें ज्यादा आइडियल पीरियड आ रहा है, राउंड रॉबिन में. तो ये क्वेश्चन भी वही था. क्वेश्चन कहता है कि हमें ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी है जो लीस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन देगा, जिसमें हमें सीपीयू ज्यादा देर तक आइडल रखना पड़ रहा है, विच इज RR. आंसर इज डी, लीस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात हुई है क्वेश्चन में, नॉट मोस्ट. बोलिए जय, क्या डाउट है, डाउट्स? नहीं बेटा, इस सेशन में तो मैं नहीं ले पाऊंगा पार्क, डाउट्स के लिए अलग से सेशन. एक बार बता दें, हाँ वो डाउट वाली चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे जय. अगर डाउट्स है तो डाउट्स हम प्लस की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. ये क्वेश्चन SRTF एल्गोरिदम लगा दो भाई. क्या आंसर आया इसका, 5.5 मुझे लगता है या 7.5, क्या है, आई डोंट रिमेम्बर. आप लगाओगे आ जाएगा, मुझे लगा उस फॉर्मूला से. नहीं बेटा, उस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, ये तो डायरेक्टली गिवन है ना, यहाँ पे वो फॉर्मूला से नहीं लगेगा. ये एल्गोरिदम के बेसिस पे कब कौन सी प्रोसेस रन करने जाएगी, सीपीयू का ये यूटिलाइजेशन इतना रहेगा, 80 यहाँ पे, 85 यहाँ पे, उससे नहीं होगा.
That's the probability, not the exact time. P is the probability. वहां पे P probability है, time नहीं है. यहां नहीं लग पाएगा वो. ये तो timings दे रखी हैं कि कब कितने time से कितने time तक कोई process CPU में रहेगी और कब कितने time IO के लिए जाएगी. So इस question को वैसे नहीं कर सकते ना? ये वाला question SRTF लगाएंगे शेड्यूलिंग. टाइम जीरो पर P1 अवेलेबल है, रन करेंगे एक यूनिट टाइम तक, रिमेनिंग फोर P2 आ जाती है, छोटी है, शेड्यूल करो. तो P2 को हम फोर यूनिट टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि यही छोटी रहेगी, बराबर टाइम में भी अराइवल टाइम्स का कम है तो ये कंटिन्यू होती रहेगी. तो हम फोर यूनिट टाइम तक इसको कंप्लीट कर देंगे. फोर पे हमारे पास P4 आएगा वन यूनिट टाइम फाइव तक, और उसके बाद में P3 रन होगा 8 तक, और उसके बाद फिर P1 रन होगा 12 तक. यही इसका गैंट चार्ट. P1 का वेटिंग जो है 1 से लेके 8, 7 की वेटिंग P1 की आएगी, P2 की वेटिंग 0 है, P5 4 की भी वेटिंग 0 है, P3 की वेटिंग है 2 से लेके 5 3 तक. 10 डिवाइड बाय 4 इज, अच्छा टर्न अराउंड टाइम पूछा है. ओके फाइन, मैं वेटिंग टाइम देख रहा था. फाइन फाइन फाइन. तो 10 और 12 22 डिवाइड बाय 4 5.5 एनीवे, ए ऑप्शन इज करेक्ट. हाँ जी, आज टर्न अराउंड टाइम में वेटिंग टाइम देखने लग गया था. कोई बात नहीं, 22 डिवाइड बाय 4 इसका आंसर आएगा, आप करके देख सकते हो. P1 का टर्न अराउंड है 12, P2 का है अराइवल 1 से लेके 4 3, P3 का है 2 से लेके 8 6, और P4 का है 4 से लेके 5 1. सबको सम करो, आपको 22 मिल जाएगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. वी विश टू शेड्यूल थ्री प्रोसेसेस P1 P2 P3 on a uniprocessor system, the priorities, CPU time required, and arrival time. Processes are given. Priority 10 highest, 9 and 8. Arrival time देखिए उल्टा दे रखा है, ये 5 पे arrive होती है, ये 3 पे, ये 0 पे, है ना? फिर we have a choice of preemptive or non-preemptive scheduling. In preemptive scheduling, later arriving higher priority process can preempt current process. In non-preemptive, later arriving process must wait. ठीक है, what are the turnaround times of P2 using preemptive and non-preemptive scheduling? P2 का turnaround time पूछा है, preemptive non-preemptive दोनों में. तो पहले non-preemptive देख लेते हैं, आसान हो जाएगा. ठीक है, non-preemptive में क्या आएगा? सबसे पहले टाइम जीरो पर एक ही प्रोसेस अराइव हुई है P3, तो उसे रन करेंगे. P3 रन हुई, P3 रन होगी, हाई लोएस्ट प्रायोरिटी है इसकी, बट डजंट मैटर, 15 सेकेंड्स तक रन हो गई. 15 सेकेंड्स तक दोनों आ गई दोनों आ गई. हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस P1 रन करेगी पहले, P1 रन हुई 20 तक 35 तक, उसके बाद में P2 रन होगी 10 मोर, है ना, 45. ठीक है, अब इसका टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो आ जाएगा 42. तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 कितना हो जाएगा? 45 माइनस अराइवल 3 इज 42. दैट्स इट. अब प्रीएम्प्टिव करेंगे तो क्या होगा? चलिए करते हैं, यहां ले लेते हैं प्रीएम्प्टिव. जीरो टाइम यूनिट पर सिर्फ P3 अवेलेबल है, आती है P3 3 टाइम यूनिट तक चलेगी, रिमेनिंग टाइम इज 12, और 3 टाइम यूनिट पर P2 आती है जो कि लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है. लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस P2 को, सॉरी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है, लोएस्ट ये है, हाईएस्ट हायर ये है. हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है तो P2 को हम रन करेंगे P3 को प्रीएम्प्ट करके. 2 यूनिट टाइम हमने 5 तक इसको रन किया, रिमेनिंग इज 8, और उसके बाद 5 पर P1 आती है जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है. तो P1 को पहले शेड्यूल करेंगे और उसे पूरा रन करेंगे 25 तक. ये खत्म हो गई, उसके बाद 8 मोर, तो P2 और 8 33 तक जाएगी, और उसके बाद आखिरी में P3 रन होगा
12 मोर यूनिट टाइम 45 तक. मुझे P2 का टर्न अराउंड टाइम चाहिए. टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 33 माइनस अराइवल 330. तो नॉन प्रीएम्प्टिव में आंसर आएगा 45, प्रीएम्प्टिव में 30. अब देखिएगा इन्होंने क्या है ना, प्रीएम्प्टिव पहले और नॉन प्रीएम्प्टिव बाद में दे रखा है. तो 30-45 विल बी द ऑप्शन करेक्ट. सॉरी 30-42 ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्रीएम्प्टिव पहले लिखा है तो 30-42 नॉन प्रीएम्प्टिव बाद में हम करेक्ट कर लेंगे. यस दैट्स गुड. चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. हमें दो बार सॉल्व करना पड़ा प्रायोरिटी बेस के लिए. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस है तो क्विकली हो जाएगा. ये देखिए, देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू सॉल्व इट. यू हैव टू जस्ट रीड, दिमाग लगा के और डायरेक्ट आंसर करना होता है. हमने क्लास में भी डिस्कस किया था. कंसिडर 3 सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेसेस requires 10, 20, 30 unit of time and arrival time are 0 to 6. Arrival time 0 to 6. Burst times 10, 20, 30. बाद में आने वाली प्रोसेस छोटी नहीं है, बड़ी है. प्रीएम्प्शन नहीं होगा. प्रीएम्प्शन नहीं होगा. हाउ मेनी कंटेक्स्ट विच आर नीडेड इफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट SRTF. SRTF भी है तो भी अगर बाद में आने वाली प्रोसेस बड़ी है, बर्स्ट टाइम जिनका ज्यादा है, तो SRTF में प्रीएम्प्शन नहीं होता है. कोई प्रीएम्प्शन नहीं होगा यहाँ पे. डू नॉट काउंट कंटेक्स्ट स्विचेस एट टाइम जीरो एट एट दी एंड. बीच बीच वाले काउंट करने हैं तो P1 से P2, P2 से P3 दो कंटेक्स्ट स्विच लगेंगे. आंसर इज 2. बिना गैंट चार्ट बनाए भी आप कर सकते हो. जीरो पे P1 रन होगी 10, फिर P2 रन होगी 30 और P3 रन होगी 60 बस. बट ये बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये और ये, अगर आप दिमाग में इन कंसेप्ट्स को लेके क्लियर हो. ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रहेंगे एग्जाम टाइम तक, तो फिर आप आराम से कर पाओगे इसको. इसका तो हमने बढ़िया ट्रिक देखा था क्लास में. है ना, बढ़िया ट्रिक देखी थी हमने इसकी क्लास में. क्या कहता है ये कि आपके पास अगर LRTF है तो एक काम करो, सबका समेशन कर लो जो रिमेनिंग टाइम्स हैं या बर्स्ट टाइम्स हैं. 8, 4, 12 और 2, 14. 14 पे सारी प्रोसेसेस फिनिश होंगी. किस सीक्वेंस में, जो भी सीक्वेंस दे रखा है. तो पहले P0 फिनिश होगा, फिर P1, फिर P2, एक एक टाइम यूनिट के बाद. 14 पे ये, 13 पे ये, 12 पे ये. दैट्स इट. फिर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम P1 का आएगा, P0 का आएगा 12, क्योंकि अराइवल टाइम सारी प्रोसेस के 0 हैं. नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 14, एवरेज इतना आ जाएगा 13. ये तो डिटेल में हमने देखा था कि क्यों हो रहा है ऐसा. वाओ, दिस वाज समथिंग डिफरेंट. ऐसा क्वेश्चन पहले हमने नहीं देखा. नहीं देखा ना, 30% आया. नहीं आना चाहिए 30% एग्जैक्ट, तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल में. कुछ गड़बड़ है. चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है. कंसीडर 3 प्रोसेसेस ऑल अराइविंग एट 0, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम्स दीज. है ना, 3 प्रोसेसेस हम मान लेते हैं. P1 है, P2 है, P3 है. टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इनका है 10, 20 और 30. ईच प्रोसेस स्पेंड्स फर्स्ट 20% ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम डूइंग IO. तो पहले हर एक प्रोसेस IO करती है कितना, 20% टाइम. अब अगर इसका टोटल टाइम 10 है तो इसका 20% कितना होगा, 2 यूनिट टाइम. 20 का 20% 4, 30 का 20% 6. इतने टाइम यूनिट हर एक प्रोसेस IO करती है. द नेक्स्ट 70% ऑफ टाइम डूइंग कंप्यूटेशन इन सीपीयू. ऑफकोर्स कंप्यूटेशन सीपीयू में होता है, तो उसके बाद सीपीयू बर्स्ट आएगा. कितने परसेंट टाइम, 70% टाइम. 70% टाइम, 10 का 70% 7, 20 का 70% 14 और 30 का 70% 21.
उसके बाद आयो एंड द लास्ट, आगे दे रखा है एंड द लास्ट 10% डूइंग आयो अगेन, फिर से आयो करती है हर एक प्रोसेस लास्ट 10%. लास्ट 10% मतलब कि 10 का 10% 1, 20 का 10% 2, 30 का 10% 3. आप देख सकते हो समीशन 10 है, 20 है, 30 है, टोटल टाइम इतना, बट ये अलग 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 चीजों में स्पेंड हो रहा है. द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस SRTF, कंप्यूट फर्स्ट, कंप्यूट टाइम फर्स्ट, and schedules a new process either when a running process gets blocked on IO or when the running process finishes its compute burst. Assume that IO operations can be overlapped as much as possible. For what percentage of time does the CPU remain idle? अब सबसे पहले तो CPU burst नहीं है, ये question जो है practical world से दूर है. सबसे पहले IO burst है, तो तीनों प्रोसेसेस का आईओ एक साथ हो सकता है जीरो टाइम पर शुरू, जीरो टाइम पर स्टार्ट हो सकता है क्या? यस, हो सकता है. टू टाइम यूनिट के बाद क्या P1 का आईओ फिनिश होगा और वो सीपीयू के बर्स्ट के लिए अवेलेबल रहेगी? यस. तो टू टाइम यूनिट पर शुरुआत में जीरो से लेके टू सीपीयू आइडल, और उसके बाद टू टाइम यूनिट के बाद ये P1 आती है और 7 CPU बर्स्ट लेती है. अब देखो P1 सबसे छोटी प्रोसेस है CPU के लिए, तो वो अगर आएगी भी तो किसी दूसरी प्रोसेस की वजह से प्रीएम्प्ट नहीं होगी. क्या आपके पास 2 से लेकर के बाद 4 तक क्या होगा? P2 का भी IO खत्म हो जाएगा, बट वो बहुत बड़ी है, प्रीएम्प्शन नहीं होगा P1 का. P3 6 पर आई होती है IO खत्म करके, बट वो भी नहीं, 20 है, 1 है उसका CPU बर्स्ट. 7 से तो छोटा है नहीं कि प्रीएम्प्शन करा दे 7 का, तो 7 कंटिन्यू करेगा. अब 7 कंटिन्यू करेगा, उसके बाद P1 का आयो एक टाइम यूनिट और P1 फिनिश हो जाएगा 10 पे, फिनिश हो गया. बट 9 टाइम यूनिट पे हमारे पास ये दोनों भी तो अपना आयो खत्म करके आई है, क्या इन दोनों में से छोटी प्रोसेस को शेड्यूल किया जा सकता है? यस, P2 को शेड्यूल करेंगे 14 टाइम यूनिट. 14 टाइम यूनिट मींस 9 से 14 कितना होता है? 23. फिर P2 आयो के लिए जाएगा. आयो कब तक खत्म हो जाएगा इसका? 23 + 2, 25 तक, है ना. फिर 23 पर P3 को CPU मिलेगा, वो 21 यूनिट टाइम चलेगा 42 तक, 44 तक. उसके बाद P3 का आयो चलेगा 3 टाइम यूनिट मतलब 47 तक, तब CPU आइडल. बस 47 पे सारी प्रोसेसेस फिनिश हो जाएंगी. अब बताओ टोटल सीपीयू आइडल टाइम कितना, परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू आइडल इज इक्वल टू शुरुआत के 2 यूनिट टाइम यहां पे और 3 यूनिट टाइम यहां पे, टोटल 5 यूनिट टाइम सीपीयू आइडल रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 47. 547 का 4.7 10% होता है, तो 10% के अराउंड आना चाहिए. आंसर इज बी. अब ये इसको सॉल्व करना आप आराम से कर सकते हो. 100 डिवाइड बाय 47 इज 2 पॉइंट समथिंग, 5 इंटू 2 पॉइंट समथिंग इज 10 पॉइंट समथिंग. बी ऑप्शन इज करेक्ट. न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर होता तो आप आराम से इसको कैलकुलेट करते खुद से. शाबाश, डायरेक्ट सॉल्व होता तो क्या बात थी. दिमाग में क्यों नहीं आया? हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टेबल बना बना के, बस रादर देन गिविंग यू द टाइम्स, दीज टाइम्स डायरेक्टली, इन्होंने ये एप्टीट्यूड घुसा दिया बीच में बस. बाकी तो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. चलिए, ये भी शायद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्लासरूम में ही हो गया था, डिटेल में देखा था इसको तो हमने. कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवे, आज का सेशन 45 मिनट्स का ही प्लान था, तो मैं इतना ही डिस्कस कर पाऊंगा, फिर आगे के क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं. कल और सेम टाइम पर एक और सेशन सिमिलर टाइप का हम ले लेते हैं, जिसमें और आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं. कल वाला सेशन प्लान करूंगा, कोशिश करूंगा कि
एक घंटे का पूरा पूरा हो जाए, ठीक है, तो वो देख लेंगे। और इसके अलावा आप जिनको भी जो जो डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स आप लोग डाउट सॉल्विंग सेशन में पूछ लेना या फिर प्लस की क्लास में पूछ लेना। जो लोग अनअकैडमी प्लस पर नहीं है और आना चाहते हैं, आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप ये लोग ये टेस्ट लिखेंगे 24 सितंबर को। तो ये 24 सितंबर 45 मिनट में आपको टेस्ट मिलेगा, बिग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आईपैड, मैकबुक एयर, डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, जेबीएल स्पीकर टाइप के। तो जल्दी से आप लोग इसके लिए रेडी हो जाओ, ये होने वाला है 24 सेप्टेम्बर। अगर इसके लिए कोई कोड वोड लगे तो लगा लेना, ये VDeep 10, नहीं लगे तो डायरेक्टली एनरोल कर लेना, बट कर लेना। टेस्ट लिखने में बुराई नहीं है, जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स भी हैं तो टेस्ट लिखने में कोई बुराई नहीं, लिख दो। टेस्ट लिखने में बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि एक आइडिया आ जाएगा आपको कि जब प्रेशर आता है ना दिमाग पे, तब आपको कितना दिमाग चलता है आपका, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में जो अच्छा परफॉर्म कर लेता है ना, बस उसी की वाह वाही होती है।